ऑल राइट दोस्तों, तो जैसे कि आपने प्रीव्यू देख लिया है, उसके बाद मैं कोई भी आप रेशियो अपना चूज़ कर लीजिए, कोई भी फ्रेम। तो मैंने ये वाला फ्रेम चूज़ करा है, और जो भी आप क्लिप में ऐड करना चाहते हो बैकग्राउंड वाला, यानी रिवील टेक्स्ट, आप वो वाला कोई भी क्लिप ऐड कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट करना है वो जो हमें टेक्स्ट में लिखना है, तो जैसे मैं आपको वॉकिंग, यही वाला हमारा रिवील टेक्स्ट है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद जैसे इसकी साइज़ को बड़ा कर देते हैं, एंड कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाला, मुझे थोड़ा ये वाला जो नीचे एक फ़ॉन्ट है ये मुझे बेस्ट लग रहा है, तो ये मैंने चूज़ कर लिया है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जैसे मैं थोड़ा बहुत ये साइज़ एडजस्ट कर रहा हूँ, एंड थोड़ा मुझे जहाँ पर लगाना है ये वॉकिंग वाला, ये जो रिवील टेक्स्ट, वहाँ पर मैं ये चीज़ सेट कर रहा हूँ, ओके। एंड फिर उसके बाद थोड़ा मैंने इसे ड्रैग कर दिया है क्लिप के साथ। एंड फिर उसके बाद जो हैंड राइटिंग है, एंड इसका जो स्क्वायर वाला है ये बॉक्स हमें कर लेना, और हमें जो कलर चूज़ करना है वो ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन कंपलसरी है, आप ये ग्रीन ही चूज़ करिएगा क्योंकि इसी का काम आएगा, ठीक है। तो कंपलसरी है, तो आप ये ग्रीन कलर चूज़ कर लीजिएगा। एंड फिर उसके बाद पूरे टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस टाइप का आपको ड्रैग कर देना है। एंड फिर अल्फा ओपेसिटी में आपके थोड़ा हल्का कर देना है, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो दिखाई दे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें जो चीज़ नेक्स्ट करना है, इसके साथ पहले हमने ड्रैग कर दिया है। फिर उसके बाद ये जो दोनों हमारे जो थंब है उसके थोड़े स्ट्रेच कर देते हैं, इससे क्या होगा कि जो भी क्लिप होगी वो थोड़ा और स्लो हो जाएगी, और जब क्लिप स्लो होगी, मतलब जो भी होगा, तो हमें जो एडिटिंग करने में आसानी होगा, तो ठीक है। तो आप भी थोड़ा ये जो क्लिप को स्ट्रेच कर लीजिएगा। एंड जो आप साइड में की वाला ऑप्शन था, उस पर जो मैंने क्लिक करा है, और आप थोड़ा बहुत एडिटिंग जानते होंगे तो आप ये एक चीज़ जानते ही होंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे अब ये जो चीज़ जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो वो जो सिर्फ मैंने हैंड राइटिंग वाला थोड़ा धीरे धीरे मैं इसे स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे कर रहा हूँ, एंड ये कुछ इस टाइप को आपको करना है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, तो हमें वैसे ही उस जो ग्रीन वाले जो है उसको बॉक्स को हमें थोड़ा और ऐसे ड्रैग करते रहना है। तो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना। और अब मैं बता दूँ, थोड़ा हो कि मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, एक डेमो है, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा टाइम लीजिएगा आराम से, तब जाकर बनाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टाइम देंगे एडिटिंग में उतना ही बेहतर आपका होगा। तो आप प्लीज़ ये चीज़ जो है वो आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आपको पूरा ये फुल ट्रैक कर देना है, जैसे कि ये पूरा ये चीज़ हो रहा है, ओके। तो जैसे कि ये मैं कर देता हूँ, एंड फिर उसके बाद ये चीज़ फुली कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद ये चीज़ हो गया, एंड हमें टिक कर देना है। एंड फिर उसके बाद जो अब हमें तो कुछ इस टाइप का दिखाएगा, पहले मैं इसे थोड़ा जो हमारा ड्रैग मैंने किया था ये पूरा स्ट्रेचिंग वाला, ये थोड़ा और छोटा कर देता हूँ नॉर्मल की तरह, ठीक है। एंड मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप का भी शो कर रहा है। तो लगभग अभी मतलब 40% काम हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा काम रह गया अभी 60%। तो ये जो हमारा ओपेसिटी था, तो पूरे फुल कर देना है, ठीक है। तो कुछ अभी इस टाइप का ये चीज़ शो कर रहा है, ओके। तो यही है, आप अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना चाहें, स्ट्रेचिंग से जैसे जानते हैं, वो थोड़ा आप अपने जो है स्लो कर सकते हैं स्पीड को। तो कुछ अब इस टाइप का देख रहा है, ये हमारा भी फाइनल है, ओके। तो ओके, जैसे हमारी ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इसे रिमूव कर दिया है। फिर उसके बाद हमें दोबारा एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है, इसे पूरा हम लोग इसे ड्रैग कर देते हैं, और जो हमें कलर ले लेना है आप ग्राउंड को, वो ग्रीन, ठीक है। एंड फिर उसके बाद ये जो चीज़ है, इसको अब हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट, ये हमारा पूरा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ओके, ये चीज़ हो गया है। एंड फिर उसके बाद ये हमारा काम हो चुका है, 50% काम, अब 60% हो ही गया है। एंड फिर उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको ले लेना है, जो हमारा क्लिप था, एंड जो हमने बनाया हुआ था वॉकिंग का, ये चीज़ मैं फुल करके, ये करने के बाद ये चीज़ हमें क्रोमा की कर देना है, ठीक है। क्रोमा की इसलिए जैसे जानते हैं, ये चीज़ रिमूव हो जाता है ग्रीन इसके, एंड ये कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा जो फाइनल आउटपुट निकल के आया है कुछ इस टाइप का, और आप प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिएगा, जितने ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ही बेटर बनेगा, लेकिन लगभग अच्छा ही बना है। तो आप कुछ इस टाइप का कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे